हेलो स्टूडेंट, सर्वोदय नमस्कार। आज हम चलेंगे एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 में 1-2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कवर कर लिया था। इन दिस वीडियो हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद। और मैं स्टूडेंट्स आप लोग से कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने जूम लाइव क्लासेस में आएँ, जहाँ पर आपको पूर्ण रूप से सारी फैसिलिटी मिलती है। आप वहाँ पर मन चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको कोई भी डाउट हो या फिर जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर बता रहे हैं, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसलिए प्लीज़ स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी बताएं और लाइव क्लासेस में आया करें। आपको लिंक हमेशा मिल जाती है, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाती है। जब आप लाइव क्लास में आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्लास करने में। आपके वहाँ पर अपने फ्रेंड्स मिलेंगे, वहाँ पर मैं मिलूँगा, सब लोग आपको लाइव क्लासेस में आपको मिलेंगे। इतनी सारी फैसिलिटी आपको वहाँ पर मिलने वाली है, इसलिए प्लीज़ स्टूडेंट कम ऑन द लाइव क्लास। चलिए आइए, मेरे एक सेक्शन है क्या क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, चेक करना है कि वेदर इज इक्वालिट फ्रैक्शन या नॉट, क्या वो इक्वालिट फ्रैक्शन में है या नहीं है, इसको चेक करना है हमको। ठीक है, 7/8 एंड 21/24। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, 7/8 21/24। अगर ये 24 इसे किया, 8 इसे किया, तो क्या होगा, 7 × 24 और 8 × 24 कितना होगा, 168। दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हेंस 7/8 एंड 21/24 आर इको वायलेंट, क्या बोलेंगे इसको, इको वायलेंट फैक्टर। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं 7/8 है एंड 21/24 है, तो फर्स्टली आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 7/8 21/24 को क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 7 से, 8 का होगा 21 से। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं 24 × 7 हो जाएगा और 8 × 21 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे कि 168 दोनों क्या है जी, इक्वल हो गया। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि 7/8 एंड 21/24 आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ लेट्स कम ऑन द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम अगर लेते हैं, ये देखिए क्या है, हेंस 7/25 एंड
35/75 8 दोनों बराबर नहीं है, स्ट्रिक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, नन नॉट इक्वल, नॉट इक्वलेंट, या आपका इक्वलेंट में नहीं होगा, या आपका इक्वलेंट नहीं होगा। ओके अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, क्या है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स आप देख रहे हैं 5/8 = 24। तो यहां से आप क्या देख रहे हो, यहां पर आप देख रहे हो 8 में से क्या मल्टीप्लाई किया 24 हो गया, तो यहां पर आपने देखा 3, कितना 3 a 3 = 24। उसी प्रकार 5 में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15। उसी पर इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा देखिए 3/7 है इक्वल टू ब्रैकेट 5/28 18 ब्रैकेट, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हैं स्टूडेंट, अगर ये 7 है, 7 से 4 कितना बार हो गया 28, कितने टाइम्स में हो जाएगा ये 28 जो है वो कितने टाइम्स में हो जाएगा आपका, आप देख रहे हैं ये 28 है वो आपका 28 जो है आपका कितने टाइम्स में हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये 3/4 जब कितना होगा, ये भी इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3/4 = 12। ये यहाँ गया तो देखें 6 से 3 6 18, तो 7 से क्या कितना होगा 42। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या वो समझते हैं, जैसे 70/84 कितना है 70/84। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एशियफ में क्या करेंगे, एशियफ और 70 and 84 कितना 40, 70 और 84 48 में आता है, तो याद रखिए 70/84 70/40 और 84/40 कितना 40 5/6 उसी प्रकार मेरे पास ये कितना 115/135 यहाँ से देखा जाए5 5 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
मतलब 23/27 आपका ये हो जाएगा। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 5.3 खत्म होता है। और आप लोग ठीक इसी प्रकार आप जो भी रेश ऑफ क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए सभी को सर्वोदय नमस्कार, और सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें।